नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुकांत कुमार महापात्र, एकेडमी अफसर समाजशास्त्र NIS में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समाजशास्त्र के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ है प्रोफेसर तुलसी पटेल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 30 साल से समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं। NIS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि समाज में हम रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और सामाजिक संपर्क बनाते हैं। समाजशास्त्र ऐसा एक विषय है जिसमें हम सामाजिक संबंधों के बारे में बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ है प्रोफेसर तुलसी पटेल, जो इसको विस्तार रूप से बताएंगे। आपका स्वागत है शिक्षार्थियों। आज की इस बातचीत में, जैसा कि सुकांत जी ने बताया, हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि समाजशास्त्र क्या है। जैसा इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों के विषय में चर्चा का विज्ञान है। इस विज्ञान की परिभाषा जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ ग्रीक, कुछ लैटिन, इस तरह के शब्दों को मिलाकर सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र एक विज्ञान का नाम दिया जाता है। आज हम जो बातचीत करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि उदाहरणों के जरिए समझें कि समाजशास्त्र क्या है, बजाय इसके कि हम सबसे पहले परिभाषा दें और किन समाजशास्त्रियों ने क्या बताया, उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। शुरू में हम ये कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और अंतर क्रियाओं का विज्ञान है। तो सामाजिक संबंध और अंतर क्रियाएँ क्या हैं? मैडम बताएंगे कि आप सामाजिक संबंधों या अंतर क्रिया का कोई उदाहरण दे सकते हैं? जी, सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं का हम उदाहरण सबसे पहले ये देते हैं, क्योंकि शिक्षार्थियों से बात कर रहे हैं। स्कूल जाने की ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे हर बच्चा सुबह उठ के, उसे कोई उठाता है, फिर उसे तैयार होता है, नाश्ता दिया जाता है, स्कूल के लिए उसे छोड़ने जाते हैं या बस आती है उसे लेने के लिए, दूसरे बच्चे भी उसे बस पर मिलते हैं, ड्राइवर, कंडक्टर आदि सब बस में होते हैं और बच्चों को लेकर और स्कूल पहुंचते हैं। और स्कूल जब पहुंचते हैं तो उन बच्चों को वहां पर टीचर अवेलेबल होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो उनको अलग अलग क्लास में बिठाकर और पढ़ाई करवाते हैं। ये एक उदाहरण है। इसमें उस बच्चे को जो सुबह घर में उठा है, उसकी जो क्रियाएँ हैं, उन क्रियाओं में वो अनेक लोगों के संपर्क में आता है। अब सवाल ये है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आया और किन किन संपर्कों में उसका प्रत्यक्ष संपर्क है और किन का अप्रत्यक्ष संपर्क है। प्रत्यक्ष संपर्क तो उसका माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, जो भी, जिन्होंने उसे सुबह उठाया है, नाश्ता दिया है, नहलाया है, तैयार किया है, उनके साथ है। प्रत्यक्ष संबंध उसका ड्राइवर और कंडक्टर के साथ भी हुआ है। ये उसकी अंतःक्रिया हुई है, जहाँ पर वो ड्राइवर या कंडक्टर को मिलता है, कंडक्टर उसे बस में चढ़ाता है, दूसरे बच्चों से भी वो मुलाकात करता है सुबह बच्चा, और फिर बस में बैठकर आपस में बातचीत करते हुए जाते हैं। तो ये आपस की अंतःक्रिया तो है बच्चों की, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर भी वो बच्चा और कई संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है या अंतःक्रिया में आता है। जैसे जो बिजली बनाने वाली लोग हैं, उन बिजली बनाने वाली संस्थाओं के संपर्क में भी वो व्यक्ति आता है, लेकिन हम सिर्फ स्विच ऑन करते हैं तो बिजली आती है, ये हमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है बिजली बनाने वालों का या सप्लाई करने वालों के साथ। इसी तरह से जैसे दूध वाला एक समय पर आता है, बस कंडक्टर एक समय पर आता है। तो सवाल ये उठता है कि समाज में जो कामकाज होते हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई उसे उठा रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई नाश्ता बना रहा है, ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे काम ऐसे समन्वय के साथ और ऐसे सामंजस्य के साथ होते हैं कि उन कामों को करने में एक समाज का पूरा ढांचा आगे बढ़ता है या उसका कामकाज चलता है। ये ऐसा कैसे होता है, ये इस सवाल को जानने के लिए हम फिर भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। क्यों सुकांत जी, बात है ना? अच्छा मामा, बताएंगे हमारा कौन कौन सी संस्था से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का संपर्क होता है? हाँ, अब जैसे व्यक्तियों से तो हमने बताया कि संपर्क है स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का, संस्थाओं से भी संपर्क होता है।
जैसे वो बच्चा परिवार में है, उसे परिवार का कोई सदस्य सुबह उठा रहा है नींद से जागने के लिए कि स्कूल का समय होने वाला है, तो वो एक परिवार एक संस्था है, परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों से संपर्क में आता है तो उस संस्था से भी उसका संपर्क बनता है और उसका संबंध बनता है। बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री के साथ भी उसका संपर्क है, सप्लाई करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उसका संपर्क है, इस तरह से वो अलग अलग संस्थाओं के साथ संपर्क में आता है। समाज में हर टाइम समन्वय ही बना रहता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी जो हमने उदाहरण दिया उस उदाहरण से ऐसे लग रहा है मानो कि समाज में हर समय समन्वय ही बना है और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और समाज का काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज में बहुत बार द्वंद्व भी होता है और असमन्वय की स्थिति भी होती है जहाँ पर सामंजस्य का अभाव हो या सामंजस्य नहीं पाया जाता है। इसका भी एक उदाहरण ले सकते हैं और उदाहरण ये है कि जैसे स्कूल जाने वाले सब बच्चे जब स्कूल से पढ़ के और आगे निकलते हैं तो क्या सबको नौकरी मिल जाती है या सब अपने कामकाज में आराम से लग जाते हैं या कुछ नहीं भी लग पाते हैं। अब इसकी भी एक और बात है जो समझने वाली है और वो ये है कि क्या इसके व्यक्तिक कारण हैं कि माना जाता है कि जो बच्चा मेहनत करेगा पढ़ाई करने में उसके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे को नौकरी मिलने की ज़्यादा चांस है, ये माना जाता है। लेकिन बहुत बार ये होता है कि बच्चा होशियार है, मेहनत कर रहा है, नंबर भी ला सकता है, पर परिवार के हालत ऐसे होते हैं, परिवार की स्थिति ऐसी होती है कि परिवार के लोग उसे या माता पिता उसे स्कूल से पहले ही छुड़वा देते हैं स्कूल और वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, उसे कोई ना कोई मजदूरी पर लगना होता है या दूसरे किसी घर में और बच्चे हैं उनको देखना है या किसी बुजुर्ग है घर में उसको देखना है, इस तरह के काम में बच्चों को लगा देते हैं। तो ऐसा है कि व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी भी है उसके आगे बढ़ने में और अच्छा काम करने में आगे, लेकिन उसके साथ साथ समाज के जो उसके व्यक्ति से परे जो संस्थाएं हैं उनका भी प्रभाव था कि मतलब क्या ये हर टाइम होता है कि व्यक्ति के मेहनत पर सब कुछ निर्भर होता है। हाँ, इसीलिए वो बात है कि अगर परिवार नहीं भेज सकता उसको स्कूल तो ये बात तो खाली व्यक्ति की मेहनत पर नहीं निर्भर है, इस पर तो परिवार की स्थिति पर भी निर्भर है कि वो व्यक्ति आगे पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। अंक लाना और कम लाना ज़्यादा लाना तो बाद की बात हो जाती है, लेकिन वो पढ़ भी पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, जैसे आजकल सॉफ्टवेयर की नौकरियाँ इंजीनियर्स को काफ़ी मिलती हैं और इससे 10-15 साल पहले ये हालत थी कि बहुत सारे IIT के इंजीनियर्स हमारे देश से बाहर चले जाते थे पढ़ाई करके, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई के हिसाब से वहाँ पर ज़्यादा अच्छी नौकरी, ज़्यादा अच्छे पैसे और आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस मिलते थे भारत के कंपैरिजन में। आज भी ये हालत है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है तो पूना, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगहों पर, गुड़गांव, नोएडा, इन जगहों पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़्यादा नौकरियां मिल जाती हैं, दूसरी जगहों पर कम मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के पास हर स्थिति है और सिर्फ व्यक्ति की मेहनत से सब कुछ होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में और देश की जो नीतियां हैं उन नीतियों के आधार पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और नहीं भी बन सकती हैं। क्या हमारे विद्यार्थी किसी आम आदमी को ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? अच्छा, ये आपका जो सवाल है इसमें इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं विद्यार्थियों को एक कोई एक्टिविटी देना चाहती हूँ। अब जो हमने ये बताया कि व्यक्ति की मेहनत और समाज की नीतियाँ और समाज की परिस्थितियाँ दोनों मिलकर उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ न कुछ निर्णय ले सकती हैं या बता सकती हैं, तो ये कैसे होता है इसको देखने के लिए हम ये कहेंगे शिक्षार्थियों से कि आपके स्टडी सेंटर पर जो भी विद्यार्थी हैं उन सब विद्यार्थियों के उनकी अपनी मेहनत की का आकलन कीजिए, उनके जो अंक आए हैं उसके बारे में पता कीजिए और उसके बाद ये देखिए कि उनके घर की क्या क्या परिस्थितियाँ रही हैं जिससे वो आगे पढ़ सके हैं या बीच में उनको पढ़ाई का गैप मिला है वापस उसके बाद वो पढ़ने के लिए आए हैं और उनको पढ़ाई के बाद वो क्या करना चाहते हैं और क्या उनके पास जो करना चाहते हैं वो पॉसिबल
है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर 20 विद्यार्थी हैं या 30 विद्यार्थी हैं, उन सब का एक आकलन कीजिए और एक सारणी बनाइए। विद्यार्थी का नाम, उसकी मेहनत, कितने घंटे काम करता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितने अंक आए हैं और क्या करना चाहता है, और आगे घर वाले उसे उतना पढ़ा पाएंगे या नहीं, और उसको जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर नौकरी मिल पाएगी या नहीं। ये अगर आप आकलन करेंगे तो आपको सारणी के बाद में, सारणी बनाने के बाद ये कुछ एहसास होगा कि जो 20 या 30 विद्यार्थी हैं उनकी सबकी स्थिति एक सी नहीं है, और उस शिक्षा संस्थान में जो विद्यार्थी नेशनल ओपन स्कूल में आते हैं उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ उस ग्रुप के बारे में एक जानकारी मिलेगी। ये एक बहुत मोटा मोटा सा तरीका है समाजशास्त्र में हम लोग किस तरह से एक व्यक्ति के बारे में नहीं और व्यक्ति से परे कुछ समाज या समूह के बारे में उसकी जानकारी हासिल करते हैं। ये जानकारी कैसे हासिल होती है इसको समाजशास्त्र में समझने की ज़रूरत है। जैसे हर व्यक्ति समाज में रहता है, हर व्यक्ति के सामाजिक संबंध होते हैं, दूसरों के साथ अंतःक्रिया होती है दूसरे व्यक्ति के साथ, लेकिन हर व्यक्ति समाजशास्त्री नहीं होता है। तो हर व्यक्ति समाजशास्त्री क्यों नहीं होता है? क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, और ये एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर, और जो अनुभव जनित प्रक्रियाएं हैं उनके आधार पर चीज़ों का आकलन किया जाता है। ऑब्जर्वेशन या निदर्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद उनका आकलन किया जाता है, और फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, और वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं लेकिन एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, उनके संबंधों की का अगर आकलन करना है तो एक व्यक्ति के ही संबंधों का नहीं लेकिन एक व्यक्ति से मिलते जुलते जो परिस्थितियां हैं उन सभी के संबंधों का हम आकलन करने की कोशिश करते हैं ताकि उस समूह के बारे में हमें कुछ जानकारी मिले। तो ये तो एक प्रक्रिया हुई समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में समझने की, लेकिन अनुभव के आधार पर जानकारी हासिल करने के बावजूद भी ये एक ऐसा विषय है जो साइंटिफिक विषय, जो फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह के विषय हैं, उन प्रकार के विषयों का विज्ञान समाजशास्त्र को नहीं कह सकते, क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक संबंध जो हैं वो बहुत लचीले होते हैं और वो बहुत चलायमान होते हैं, वो बदलते रहते हैं। जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर नहीं बदलता है उतना व्यक्ति के और समाज के संबंध बदलते रहते हैं और चलायमान होते हैं। इस वजह से हम उसे विज्ञान कहते हैं, लेकिन उस तरह का विज्ञान नहीं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का विज्ञान है। जो स्टडी सेंटर में स्टूडेंट्स आते हैं उनकी एक सारणी बनाई जाए, और उस सारणी को बनाने का ये जो प्रयास है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ हो जाए कि समाजशास्त्र में किसी भी ग्रुप के बारे में जब हम ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे प्राप्त किया जाता है। उस ग्रुप में जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बारे में, एक एक के बारे में जो हम जानकारी लेंगे, और आज हम सिर्फ हल्की सी जानकारी ले रहे हैं कि वो कितनी कक्षा तक पढ़े हुए हैं, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, कितने घंटे रोज़ मेहनत करते हैं पढ़ाई के बारे में, आगे कितनी पढ़ाई करना चाहते हैं, और उसके बाद पढ़ाई के बाद वो क्या करना चाहते हैं जीवन में आगे, क्या उनकी पढ़ाई उसे प्राप्त करने में मदद करेगी या नहीं कर पाएगी, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। ऐसे एक एक व्यक्ति से पता करके जो भी 20 या 30 विद्यार्थी हैं उनके बारे में हमें ये अंदाज़ हो जाएगा कि औसतन वो विद्यार्थी कितने घंटे मेहनत करते हैं, कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं, आगे कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, और आगे पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं, ये अंदाज़ हमें हो जाएगा। और एक और जानकारी इसमें यह है कि क्या उन्होंने पढ़ते समय बीच में कोई गैप आया है उनके, उन्होंने कुछ साल पढ़ाई छोड़ी है, किन कारणों से छोड़ी है, और वो क्या उस पढ़ाई के जो छोड़ी है उसके बाद ज़्यादा मेहनत करके उसकी खानापूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ढांचा मिलेगा ये समझने का कि जो समाजशास्त्र एक विज्ञान है उसमें अवलोकन,
और जानकारी प्राप्त करना, उस जानकारी का आकलन करना और उसके बाद उस जानकारी का विश्लेषण कैसे किया जाता है जिससे कि इस शास्त्र को हम विज्ञान कह सकें, ये बात है। और जो आपने सवाल किया कि क्या हम कोई और बात बता सकें कि ये विषय जो ऐसा है वो सिर्फ व्यक्ति के मेहनत पर ही नहीं पर दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है, और हाँ इससे हमें पता चलेगा कि व्यक्ति की मेहनत के अलावा भी बहुत सारी और बातें होती हैं जिससे ये पता चलता है। और किसी भी देश की नीति हो सकती है, उस नीति में ये हो सकता है कि 11वीं की कक्षा नहीं, अब सब विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही स्कूल पूरा करने की इजाज़त होगी। स्कूल पूरा 11वीं के बाद नहीं, 12वीं के बाद होगा। ये पिछले 40 वर्षों से हो रहा है भारत में। उससे पहले जो बच्चा 11वीं पास करता था उसको स्कूल कंप्लीट माना जाता था। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है देश की जिससे हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रभावित होता है। तो देश की पॉलिसी, विश्व की पॉलिसीज़ और परिवार की कुछ नीतियाँ और व्यक्ति की मेहनत सब मिलकर कुछ न कुछ उसके भविष्य के बारे में और सामाजिक संबंधों पर कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। और इन सब संबंधों का जो विश्लेषण हम करते हैं वो समाजशास्त्र में होता है। तो आपको अगर ऐसे जानकारी प्राप्त करनी है कि समाजशास्त्र, मान लीजिए आपकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई या सब्जी वाला ही आपसे पूछे कि ये समाजशास्त्र क्या होता है, थोड़ा समझाइए आप समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तो समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए कैसे व्यक्ति का अनुभव ही पर्याप्त नहीं है पर व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति जो उस स्थिति में हैं उन व्यक्तियों के अनुभव को मिलाकर उसका आकलन करके और फिर उसका विश्लेषण करने का एक प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया जो समाजशास्त्र में होती है वो होती है उससे मिलते जुलते या उससे बहुत अलग तरीके के जो पहले अध्ययन हुए हैं उन अध्ययनों को धीरे 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 जोड़कर और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तब समाजशास्त्र में विश्लेषण होता है। जैसे अगर किसी और ने ये अध्ययन किया है कि जो नेशनल ओपन स्कूल के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को कितने वर्षों तक पढ़ाई में गैप आता है, उसके बाद वो पढ़ाई कितने समय पर ख़त्म कर पाते हैं और आगे किस किस तरह की नौकरियां प्राप्त करते हैं, और अगर ये पहले अध्ययन हुआ है तो आज के जो विद्यार्थी हैं ओपन स्कूल में उनकी परिस्थिति में और उस परिस्थिति में कितना फ़र्क है, ये भी उस आकलन का जो आज के आपने आकलन किया इस सारणी में, उस आकलन के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि पहले जो समाजशास्त्रियों ने इस तरह के विद्यार्थियों का अध्ययन किया है, और उस खोज को हम लोग कंपेयर करते हैं समाजशास्त्र में और उसका विश्लेषण करते हैं। इसीलिए इसे तुलनात्मक अध्ययन माना जाता है, एक तुलनात्मक विज्ञान माना जाता है, और इसीलिए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे ऑगस्ट कोंत है, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनको समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, उन्होंने इसको सबसे पहले सोशल फिजिक्स नाम दिया और ये बताने की कोशिश की कि इस विज्ञान में क्या क्या किया जाता है और किन किन संबंधों को समझने में और संबंधों के परिवर्तनों को समझने का ये विज्ञान है। तो ऑगस्ट कोंत के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा किस प्रकार से दी है उसे समझ सकते हैं। उनके एक शिष्य थे एमाइल डर्खाइम, उन्होंने भी समाजशास्त्र को समझने का प्रयास किया और समाजशास्त्र सोशल फैक्ट्स की स्टडी करता है ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसी तरह से मैक्स वेबर जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी परिभाषा देने का प्रयास किया समाजशास्त्र की और उससे उनका क्या परिदृश्य बनता है समाज के बारे में, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। एक जो अभी हमने बात की कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जहाँ पर निदर्शन, आकलन और विश्लेषण किया जाता है,
ये जो आकलन और विश्लेषण किया जाता है ये ऐतिहासिक और तुलनात्मक तुलनात्मक समय के तरीके से माना जाए तो और समाज के अलग अलग जगहों के तरीके से माना जाए तो दोनों तरह का तुलनात्मक अध्ययन समाजशास्त्र करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिल सकता है सी राइट मिल्स की सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, जो उनका एक अवधारणा है, उसमें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में उन्होंने बताया कि बायोग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, ये तीनों का एक मिला जुला रूप, तीनों का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है वो सारा का सारा मिलाने से हमें कुछ समाज के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको वैज्ञानिक ढंग से समन्वित करके और विश्लेषित करके पेश किया जाए, जो कि एक व्यक्ति के बारे में नहीं लेकिन एक समूह के बारे में या एक गांव के बारे में या एक संस्था के बारे में, मान लीजिए परिवार या स्कूल या इंडस्ट्री, उनके बारे में कोई जानकारी व्यवस्थित प्रकार से मिले, उसे उस जानकारी को हम समाजशास्त्रीय जानकारी कहेंगे। ये हमारा काम है समाजशास्त्र में। तो जैसे आपको अगर सब्जी वाला कहता है कि आप समाजशास्त्र पढ़ते हो तो ये क्या सोशल स्टडीज़ है, ये क्या फिज़िक्स है, ये क्या सिविक्स है, नहीं, ये ना तो सिविक्स है ना फिज़िक्स है, ये सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। और ये विज्ञान ऐसा है कि सब्जी वाला कहेगा हमें भी पता है स्कूल जाते हैं बच्चे, आपको भी पता है कि स्कूल जाते हैं बच्चे, लेकिन उन बच्चों के स्कूल जाने में उनकी किन किन से अंतःक्रिया होती है, किन से संबंध बनते हैं, वो संबंध किन से प्रत्यक्ष हैं, किन से प्रत्यक्ष नहीं हैं, उन संबंधों का किन किन नीतियों से, जो पारिवारिक नीतियाँ हैं या देश की नीतियाँ हैं या अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ हैं, उनसे उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और उनकी जो व्यावहारिक और उनकी जो व्यक्तिक मेहनत है या कामकाज है उससे उन नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें समझने और तुलनात्मक अध्ययन करने को समाजशास्त्र कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आप समाजशास्त्र से परिचित हो गए होंगे और अवगत भी हो गए होंगे और इस विषय को आप आनंदपूर्वक भविष्य में समझ भी लेंगे। मैं आदरणीय प्रोफेसर तुलसी पटेल जी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से अब हमारे विद्यार्थियों को अवगत किया। धन्यवाद। धन्यवाद। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो तू भी जनानियों की तरह उधेड़बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा बाय। और बगला भगत, यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेंढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल लैश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं? यार क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे? बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा,
पर क्या करूं, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है, खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे मोबाइल क्या देख रहा है, तुझे क्या मालूम मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई है। मनीष बेटा ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख, स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों, अरे ले भी ले। अबे यार वहां हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है, 100-100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा, वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं तो, बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा, जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ, मना कर गया? मैं तो पहले ही कह रहा था गोली मारो उसे, उसकी भेजे में बात नहीं आएगी, उसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे, कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे और मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती, न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे उल्लास पीटे, अरे तू चला जा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं, आप जाओ। अरे अरे सत्यानाशी चुप हो जा। मनीष मनीष बेटे तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी बहुत बुरा किया तूने, तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पर रखेंगे, दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना।